हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने कभी एक बनाया था प्रोडक्ट एक पार्ट, उसमें हम बेसिकली देखते हैं कि इसमें ड्राफ्टिंग क्या करते हैं। तो आप तो फिर कटिया के अंदर बेसिक टू एडवांस तक पूरा सीखना है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को, कॉलेज को, जो भी है वो आप सीखिए फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आपको ये नहीं पूछा है सर्टिफिकेट वगैरह क्या है, आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का। ड्राफ्टिंग में ओपन किया है, इधर व्यू बिल्ड दे सकते हैं, लेकिन अपन एक नॉर्मल स्केच के हिसाब से लेंगे। ओके, उसके लिए आज हम नॉर्मल कमांड का यूज करना चाहिए, जैसे व्यू बिल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू है, व्यू के अंदर अपने पास क्या होता है, व्यू हो गया या फ्रंट व्यू, जो फिर वो फ्रंट दिखाएगा उसको। ठीक है, ये अनफोल्डेड है, कटिया के अंदर यू दिखता है। ठीक है, ये अपने पास प्रोजेक्शन किया है, ये 500 मीटर का या मल्टी और का स्केल है, 1/1 स्केल में था। हम व्यू पे क्लिक करेंगे, विंडो पे क्लिक करेंगे और पार्ट अपना पार्ट अब लिखेंगे। इसका फ्रंट भी कौन सा आपने पता होगा, हाँ ये अपने पास फ्रंट व्यू है, इसको फ्रंट व्यू कौन जिसे नीचे दिख रहा है उसको हम रोटेट करेंगे। और ये प्रोजेक्शन व्यू पे क्लिक करना है, इसका ये अपने पास में क्या आएगा, शायद ही आएगा। ओके, ये दो करते तो अपने कितना नहीं है, तो कौन कौन सा ये फ्रंट व्यू हो गया, ये राइट व्यू हो गया। तो फिर इसमें हम डिस्प्ले व्यू फ्रेम अपने को सपोर्ट करते हैं और इस राइट व्यू को राइट व्यू साइड में लेके आते हैं। ओके, तो ये अपने पास व्यू का पूरा कमांड हो गया होगा। इसमें क्या, अब इसमें जो परसेक्शन में दिखना होता है, ये अपने पास होगा परसेक्शन ऑब्जेक्ट, उस पर क्लिक करो और इसको क्लिक करके इसे डबल क्लिक करो, आपको कट यूज कर लेना, आपको ऊपर का सही नीचे का सही हिसाब से कट यू आपको बता देगा। तो एक कट सेक्शन का भी अपने को हो गया कि भाई हाँ ये अपने पास में कट सेक्शन है। ठीक है, पर ये अपने को अभी जो जरूरत नहीं होती उसी की, जिसमें अप्लाई करेंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, आपको सिखा रहा हूँ, कट यू का हो गया, ये अपने पास में जो सेक्शन में दिखाते हैं डिस्प्ले यूज, जैसे कि अपने सिर्फ इस एक ही पॉइंट हाईलाइट करना है। ठीक है, इसको हम लोग इसको हाईलाइट करना है, तो इतना देखते हैं इसको इधर दिखाओ, ये इतना हमारा इधर दिखेगा, मैं देखो पॉइंट ए आ गया इसको, तो ये डिस्प्ले यू हो गया अपना। इसको डिस्प्ले यू हो गया अपना, इसको अपना डिस्प्ले ऐड करना सीख लिया हमने। मैं अपन दो तीन टाइप से इससे भी सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, रेक्टेंगल ऐसे लाइन से भी देखते क्लोज कर दूँ, अपने आप ये अलग सेक्शन आ जाए, ऐसे भी कर सकते हैं। अपने को अपने हिसाब से देखना, फिर अपना ये ब्रेक लाइन कर देंगे, इसमें अपने को इतना नहीं देखना। पहले यू एक्टिव करना पड़ता है, ये ब्रेक लाइन आ गई है, कितना कितना करना था उतना तो ब्रेक लाइन हो जाए। इसमें क्या पहले व्यू एक्टिव होना पड़ता है, जो व्यू लेके इसको जैसे रेड दिख रहा है तो ये एक्टिव व्यू है, रेड वाला, ठीक है, इसको एक्टिव करना पड़ता है। अभी ये ब्लिप नहीं होता, ये हमेशा हाइड होता है, इसको एक्सिस को हाइड करो, एक्सिस को हमने हाइड करना सीख लिया। जैसे कि ये अपने पास लेंस क्या है,
अपने पास छोटा है तो उसमें प्रॉब्लम है, बड़ी बात नहीं है उसके हिसाब से। आज हमने यू का पूरा कमांड है वो सीखा है, तो फिर आइसोमेट्रिक लेकिन इस तरह से इसको स्लोट भी दिख रहा है, काउंटर भी दिख रहा है। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें नहीं दिख पाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें होता है कुछ एक ही दिख रहा है, उसको क्या करते हैं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज जाएंगे और ये हाइडर लाइन है, फेड है, ये सब करते हैं, हाइड कर देते हैं। ओके, तो एक अच्छा से दिख रहा है। हाँ, उसको लगेगा एक इधर स्लोट मरा हुआ है, इधर दो फुल कर रखा है। ये चीज भी इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आइसोमेट्रिक टूल का उपयोग। अब इसकी स्क्रीन बड़ी दिखी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, वन बाय वन रेशियो उसके लिए, तो वन बाय टू रेशियो उसके लिए। अब इस वन को लेके आएंगे, इसको कभी भी स्केलिंग लिंकिंग करने वाला है। इससे आपको पता चलता है कि आपने स्केलिंग किया है, मतलब मान लो कि कभी आपने स्केलिंग कर दिया तो पता नहीं चलेगा, उसको पता नहीं चलेगा कौन सा लूप कौन सा। दूसरी बात, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, आज हमने इसका यूज पॉइंट, आइसोमेट्रिक व्यू, प्रोजेक्शन व्यू, ऑफसेट, स्केलिंग, डिटेलिंग व्यू ऐसी है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं अपन को। फिर ये अगर कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे तो देख मज़ा नहीं आएगा, इसलिए अपन छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। ओके, फिर सबको एक करके लगा देंगे, थोड़ा फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा फॉलो भी कराना, सब्सक्राइब कराना और अपने दोस्तों को पेज पर पे जिधर भी है सीखने का दोस्त, वो कंपनी में जो भी बनता है वो उसको सीखे, बहुत फायदा है, पार्ट डिजाइनिंग में बहुत आगे है।